के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। वह विश्व के एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के नेशनल एथलेटिक्स सेंटर में नीरज ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ ही स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फाइनल में कुल 6 अटेम्प्ट होते हैं और नीरज ने दूसरे राउंड में ही 88.17 मीटर का थ्रो कर दिया था। इसके बाद से ही वह अंक तालिका में लीड बनाए हुए थे और अंत तक यह लीड कायम भी रही। ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और डायमंड लीग में चैंपियन बनने वाला यह खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से पहले सिर्फ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ही स्वर्ण नहीं जीत पाया था, लेकिन अब उसकी झोली में इसका स्वर्ण पदक भी है। आज हम सवाल नहीं पूछेंगे जी, आप बताओ। बस मैं क्या बताऊं सर, अभी सभी बोलते थे कि यही चीज, यही मेडल बचा था, तो वो भी आज पूरा हो गया है। और बस वो 90 मीटर वाला सवाल अभी हमको वो करना बाकी है, कोई बात नहीं। आज मैं सोच रहा था हो जाएगा, पर मेडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, गोल्ड मेडल अभी अपने पास है ये, और अभी अगले और कॉम्पिटिशन है, अभी टाइम है, तो उनमें और ज्यादा जोर लगाएंगे। बस मुझे लग रहा था कि लास्ट थ्रो तक की निकलेगी, थ्रो निकलेगी, क्योंकि कंसिस्टेंट तो थी, पर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी। पहली थ्रो मैं सोच रहा था कि काफी अच्छे से लगाऊंगा, पर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम रही उसमें, तो पहली थ्रो अच्छी ना लगे, थोड़ा हो ही जाता है कि फिर खुद को पुश किया, और मुझे मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा सोच रहा था ग्रोइन के बारे में, मैं बहुत ज्यादा केयरफुली चल रहा था, मैं मतलब स्पीड में 100% नहीं जा पा रहा था। अगर मेरा स्पीड में रन भी ना हो तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है, तो मुझे बस अपने आप को बिल्कुल फिट करना है और बस 100% रनवे फास्ट भागना है और बस पूरा जोर लगाना है, वही चीज मुझे करनी है। भारत वालों को क्या बोलोगे? हाँ जी, भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है, ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी ऐसे मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है। नीरज के 6 अटेम्प्ट फाउल 88.17 मीटर, 86.32 मीटर, 84.64 मीटर, 87.73 मीटर और 83.98 मीटर के रही। पहला राउंड, नीरज पहले राउंड में कुछ खास नहीं कर सके, उनके प्रयास को फाउल करार दिया गया। डीपी मनु ने 78.44 मीटर दूर भाला फेंका। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 74.80 मीटर दूर थ्रो किया। तीसरा राउंड, नीरज ने तीसरे राउंड में 86.32 मीटर दूर भाला फेंका। भारत के डीपी मनु ने 83.72 मीटर दूर भाला फेंका। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।